क्या बताऊं आपको, हैं कहां से शुरू करें, वो सवाल है। भाई ऐसा है कि एक शहर है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, लोगों की वजह से, खाने की वजह से, भाषा की वजह से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कल्चर है और जो कल्चर उस शहर ने हिंदुस्तान को दिया है उसकी वजह से, वो शहर है कोलकाता। आउटराइट फेवरेट, और बाकी सारे शहर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, लखनऊ वाले कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि तुम लखनऊ के होके कोलकाता को अपना फेवरेट कैसे बता सकते हो। तो जी जो है वो है, और कोलकाता की एक डिश बनाते हैं, बड़ी मज़े की है, बड़ी अच्छी बनेगी क्योंकि दिल में ऑलरेडी प्यार उमड़ रहा है कोलकाता के लिए। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, और आज बनाएंगे कोलकाता स्टाइल एग रोल। अंडे और मैदा लेके तैयार हो जाइए साहब। कॉलिंग एंड एक्शन। क्या ना, कोलकाता अपने खाने के लिए, अपने रोल्स के लिए जाना जाता है। एक्चुअली सिर्फ रोल्स ही क्यों, अभी कहाँ से शुरू करें। आजकल हम इतने इंडियन चाइनीज़ खाने के फ़ैन हैं, अगर कोलकाता में टैंगरा नहीं होता तो इंडियन चाइनीज़ खाना पता नहीं हिंदुस्तान कैसे आता। चाहे वो बंगाल खाना हो, घोटी खाना हो, या फिर कलोनियल इंग्लिश खाना हो, कोलकाता का जो खाना है वो इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट क्विजींस। एनीवेज, मूविंग ऑन, जिसे हम लोग आजकल काठी रोल बोलते हैं, काठी कबाब बोलते हैं, उसकी शुरुआत भी कोलकाता से हुई, निज़ाम से हुई। तो रोल्स का श्रेय कोलकाता को देना इट्स ओनली फेयर। ये जो एग रोल है, फॉर मी कम से कम दो साल में एक बार मैं पूजों पे ज़रूर जाता हूँ कोलकाता, इस बार नहीं जा पाए। बट जो जहाँ पे भी पूजो होती है, पंडाल होते हैं ना, उसके बाहर कोई ना कोई एग रोल वाले के वहाँ लाइन लगी होती है। सो पूजो, आई ऑलवेज से पूजो एग रोल जो है ना वो बेस्ट होते हैं। जो दुर्गा पूजा के एग रोल होते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं होता। यू नो, ऐसे लाइन से थोड़ा पराठे निकल रहे होते हैं, लाइन से पड़े होते हैं, फटाफट उसके ऊपर प्याज और नींबू और यू नो, ओहो क्या याद आ गया मेरे को। भूमिका बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि भूमिका से कनेक्शन बनता है खाने के साथ, और एक बार कनेक्शन बनता है फिर मोहब्बत होती है, और मोहब्बत होती है फिर आप खाना बनाते हैं और अच्छे से प्यार से बनाते हैं। अब एक रिश्ता जोड़ दिया ना मैंने आपका एग रोल के साथ, बस मेरा काम सिर्फ इतना है, रिश्ते जोड़ना है, मैच मेकर। डो जो है वो ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आटे मैदे को गूंदने में मेन फर्क क्या है, कि मैदे को आप ऐसे खींचते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे खींचते हैं, क्योंकि मैदे में लचीलापन तभी आता है जब आप खींचते हैं, ग्लूटेन डेवलप होता है। लेकिन जब आप आटा गूंदते हैं तो आटे को आप ऐसे घोटते हैं, ऐसे दबाते हैं, राइट। आटा गूंदने की तकनीक और मैदा गूंदने की तकनीक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। वरना थोड़ा सा ऑयल, ऑयल अच्छे से लगाना है, नहीं तो मैदा सूख जाएगा, ठीक है जी। आप बनाने जाएंगे एग रोल, बन जाएगा पापड़, और आप कहेंगे रणवीर साहब ने बताया नहीं। देखो, अगर आप चाहें तो ये डो जो है सिर्फ आटे में बना सकते हैं, 50% आटे में, 50% मैदे में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो फील चाहिए ना, वो दुर्गा पूजा के बाहर रोल लिया और खाते खाते एक पंडाल से दूसरे पंडाल, पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं, अगर आप वो वाला फील चाहिए तो फिर मैदा यूज करना पड़ेगा, जो है वो है। और ये वो वाली डिश है, मतलब फॉर मी द ब्यूटी ऑफ दिस डिश इज के हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। अभी प्याज के साथ में कुछ लोग क्यूकम्बर डालते हैं, खीरा डालते हैं, कुछ लोग कैबेज डालते हैं, खासतौर अगर आप टैंगरा साइड जाएं तो क्यूकम्बर की जगह कैबेज हो जाता है, क्योंकि चाइनीज रेस्टोरेंट में कैबेज इतना पड़ा होता है, कैबेज बहुत यूज़ होता है, इसलिए कैबेज यहाँ पर भी ठोक देते हैं बीच में। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट क्यूकम्बर, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट कैबेज, श्रद्धा है आपकी। देखिए, दुनिया भर के जितने भी रोल हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री सर्च करेंगे तो दो बेसिक नीड्स हैं उसमें, दो बेसिक चीज़ें हैं। एक तो ये जल्दी, पहले ये रोल्स का कल्चर इतना नहीं था, क्योंकि इंसान के पास वक्त था बैठ के खाना खाने का। जब इंसान चलने लगा तो उसको जल्दी हुई तो कुछ उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो चलते चलते साथ में चलता रहे। और दूसरा जो कारण है वो है कि हर कोई अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तो अगर आप चाहे वो निज़ाम्स काठी रोल ले लें, निज़ाम्स काठी रोल अंग्रेज़ों को इतना पसंद इसलिए आया बिकॉज उनको बार बार हाथ गंदे करना अच्छा नहीं लगता था, खाने में हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता, तो वो रोटी से कवर हो जाते थे कबाब, तो वो कबाब के मज़े ले लेते थे और हाथ गंदे नहीं होते थे।
मोस्ट ऑफ दीज रोल्स हैव बीन बॉर्न आउट ऑफ दीज टू नीड्स, यू नो, एक तो चलते फिरते खाने की ज़रूरत और दूसरा हाथ ना गंदे हों, बस ये जो है बेसिक फिलॉसफी है दैट हैज़ ड्रिवन दिस होल कल्चर ऑफ रोल्स। पर आज की डेट में भी अगर आप रोल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों सबकॉन्शियस डिसीजंस आपको ड्राइव करते हैं, स्ट्रेंज बट ट्रू। अभी गड़बड़ सिर्फ ये हो रही है कि ये जो फीलिंग है ना, ये वैसी वाली पिंक नहीं है जैसी होती है ना पूजो के बाद, तो मैं थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ, बट ऐसी क्या चीटिंग है, मतलब आपको बता के कर रहा हूँ, घर की बात है जी। ये सिरका प्याज मैंने बनाया था जी, तो ये सिरके प्याज का जो पानी है ना ये डाल देता हूँ मैं, मतलब जो सिरका है वो डाल देता हूँ। हाँ हाँ देखो, हाँ अब ठीक है, ओके जी। देखो जी मैदा ढल गया है, ढल गया कैसे पता चला, ये देखिए ढल रहा है ना हाथ में, ये लीजिए। अब बहुत सिंपल है जी, देखिए बेलन, अब बनाना है इसका एक लच्छा पराठा टाइप का, मतलब इसके अंदर तय बनानी है, ठीक है। मैदा जो है वो हमेशा खिंचता है, इसलिए जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा बेलिए, वो खिंच के अपने आप छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा सूखा मैदा ताकि लेयरिंग अच्छी हो, उसके बाद जलेबी बना देनी है बस। ये लीजिए, ये घुमाते जाना है जलेबी की तरह, बन गई जलेबी। जैसे जलेबी बनी इसको किया अंदर फोल्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो है पेड़ा बना के रख लिया, एंड डन, हो गया जी पूरा मामला तैयार। अब देखो थोड़ा सा बीटरूट जूस डाला तो अब बुला रहा है प्याज। ये देखिए इसको भी ऐसे लच्छे की तरह अंदर की तरफ दबा दिया जी, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। फ्लेकीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलकाता एग रोल मतलब पराठे का जो मजा है वो आना चाहिए ही चाहिए, इसलिए हल्की सी शक्कर हल्का सा नमक डो में जाना ही जाना है। तो भाई सबसे पहले तो अंडे तोड़ के रख लें, ठीक है जी। अगर आप दो अंडे का एग रोल नहीं खाते हैं तो आप मेरे दोस्त नहीं, तो इसलिए सबसे पहले दो अंडे, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा कोलकाता टच, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा नमक बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। दिस ग्रीन चिली सॉस इज सो कोलकाता। ये जो बेसिक फॉर्मुलेशन है किसी भी रोल का, चाहे कोई भी रोल हो, वो कहीं ना कहीं हमको एक परफेक्टली बैलेंस्ड मील का आइडिया दे देता है। देखिए हर रोल में एक प्रोटीन होगा, चाहे वो अंडा हो या पनीर हो या चिकन हो या सारे प्रोटीन मिक्स हो या बीन्स हो मैक्सिको के अंदर, हर रोल में एक स्टार्च होगी, है ना, चाहे वो मकई की रोटी हो या फिर यू नो चाहे वो मैदे की रोटी हो आटे की रोटी हो, एक स्टार्च होगी, एक प्रोटीन होगा, उसके सिवाय फाइबर होगा, फाइबर जो है वो सिंपली सैलड के जरिए आ जाता है, राइट। तो एवरी रोल, दुनिया का आप कोई भी रोल उठा लीजिए, उसका जो प्रिमाइस है वो परफेक्टली बैलेंस्ड मील है। आपको सिर्फ रोल खोल के और सामने रखने की ज़रूरत है और आपको अपने आप एक बैलेंस्ड डाइट में लेसन मिल जाएगा। क्लासिक रोल्स, ये आजकल के मॉडर्न रोल्स नहीं, क्लासिकली जितने भी रोल हैं उसमें हमेशा एक बैलेंस्ड मील आपको मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि किसी ने एक प्लेट जो थी परफेक्टली बैलेंस्ड मील की, उसको फोल्ड करके रोल करके आपको दे दिया, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जब खाना ओवर द ईयर्स मच्योर होता है ना, तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है उसकी, कि उसके अंदर गुणवत्ता जो होती है वो अपने आप आ जाती है, अंदर से क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से जूसी जूसी, बस यही इसकी मोनोपोली है। ये देख लो आप, ठीक है, ये अंडा लगाने वाली साइड पकी होनी चाहिए, जिस साइड से आप पराठे को क्रिस्पी कर रहे हैं उस साइड में तेल कम लगाएं, बिकॉज उस तरफ अंडा लगेगा।
कर दिया अच्छे से रैप, और रैप करने के बाद पीछे से ऐसे फोल्ड, एकदम टाइटली फोल्ड करना है जी, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ये मजा आ गया जी, मजा आ गया। कैसा है पूजो और नो पूजो, आप इसकी फोटो देखो और मैं इसको खाता हूं, यही फर्क है बनाने में और देखने में। मतलब बनाइए प्लीज, और साथ में अगर कभी भी किसी भी पूजो में जाएंगे तो पंडाल के बाहर, पूजो पंडाल के बाहर मुझे याद करके एक एग रोल जरूर खा लीजिएगा, और उसको बोलिएगा कि भैया प्याज थोड़ा ज्यादा डाल दो, रणवीर को प्याज अच्छे लगे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ एक चीज और चाहिए कि प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।